बिहार का हाल बारिश में देख रहे हैं ना, बिहार का क्या हाल है, पूरा किचिर 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 किचिर। अरे 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 लद्दाख बन गया, ये लद्दाख बना हुआ है पूरा। पूरे बिहार में जो है ना, आपको छोटा छोटा स्विमिंग पूल लेक ये नजर आएगा। देखिए यहाँ पे कितना, देख रहे हैं कैमरे है ये। तो बारिश में भी अपना मोटो ब्लॉगिंग शुरू है, और उसका सबसे बड़ा रीजन ये है ना कि बिहार में बाहर है नीतीश चाचा की सरकार है। ये बिहार जो डेवलपमेंट के फेज में है, वो यही डेवलपमेंट के फेज में चल रहा है। कैमरे है ये, दिखाई दिए हाँ। अरे भाई बारिश तेज हो गया जी, ऐसे में तो मेरा कैमरा डैमेज हो जाएगा। खैर कोई बात नहीं, भीगते हुए वीडियो बनाएंगे। घर से निकले और बारिश तेज हो गया, बहुत सही बहुत सही। क्या कह रहे थे हम, बिहार में बाहर है नीतीश चाचा की सरकार है, और हमारे जेब में दो आईफोन है, वो दोनों खराब होने वाला है। राइम कहीं से बैठा नहीं, पर फिर भी आप लोग एडजस्ट कर लीजिए। बारिश शुरू हो गया है, हम पूरा लत पत भीग गए। सबसे पहले ईयरफोन, उसके बाद कैमरा। ठंडा लग रहा है अंदर यार, एक सिंगल शर्ट पहन के निकले थे कि मौसम बड़ा सुहाना है, घूमते हैं। इधर पॉकेट में फोन भीग रहा है, ऊपर हम भीग रहे हैं। तो ये है अपना बिहार का हाल बारिश में, देख रहे हैं ना बिहार का क्या हाल है, पूरा किचिर 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 किचिर। अभी तो है टाउन हॉल के पास, यहाँ तो पूरा पानी जमा हुआ रहता है, मतलब कमर भर जितना ये आदमी ना, उनके कमर तक पूरा पानी रहता है यहाँ पे जमा हुआ। खैर अभी तो मानसून धीरे धीरे शुरू ही हुआ है, अंतिम तक आप लोग को दिखाएंगे कि यहाँ का क्या हाल होता है। फेस मेरा सूखा हुआ है, क्यों, तो ये हेलमेट के अंदर है, बाकी पूरा बॉडी भीग गया मेरा। देखिए शर्ट का हाल देखिए, ये है अपना टाउन हॉल। अरे 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 लद्दाख बन गया, ये लद्दाख बना हुआ है पूरा। जिनको भी मन करे लद्दाख घूमने का, एक बार बिहार घूम लीजिए, आपका लद्दाख यात्रा कंप्लीट हो जाएगा। लगता है हमको लेकर के ही डूबेगा ये बारिश। पहले पेट्रोल पंप चलते हैं, पंसारी जी के पेट्रोल पंप पे। हम पहले अपना जितना भी मोबाइल वोबाइल है, इसको हम थोड़ा सा सही जगह पे ठिकाना लगा देते हैं। इस तेज हो गया यार पूरा, देख ना तेज पूरा हो गया। थोड़ा सा बारिश को कम होने देते हैं, फिर चलेंगे। खैर हम लोग चलते ही हैं, मोबाइल थोड़ा खा गया। एक तो वाटर प्रूफ ही है ये आईफोन 14 प्रो, वाटर प्रूफ ही है, और दूसरा तो अपना रखा ही गया बैग में। एक्चुअली वो भी वाटर प्रूफ था, पर वो जो है ना, दो तीन बार हमसे गिर गया था, जिसके वजह से बैग ग्लास उसका क्रैक हो चुका है। तो इसीलिए उसको जब भी पानी में देखते हैं बारिश में, तो उसको रख देते हैं अंदर कि भाई आप कभी भी ख़राब हो सकते हैं। अब दिखाते हैं बारिश के टाइम में दरभंगा टावर का हाल क्या रहता है, क्या सीन है दरभंगा टावर का, क्योंकि अभी बकरीद चल रहा है और दरभंगा का हालत खस्ता हुआ पड़ा होगा। अभी देखिए बारिश में पूरा शहर सुनसान पड़ जाता है। भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि अपने गाड़ी का ABS भी सही हो चुका है, क्योंकि पहले जब ABS सही नहीं था तो ब्रेकिंग करने में बहुत डर लगता था। कहीं भी ब्रेकिंग करते थे पूरा गाड़ी स्लिप मार देता था, पूरा स्लिप कर जाता था गाड़ी। अभी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का जो मॉड्यूलेटर होता है, वो हम चेंज करवा लिए गए हैं, और बस यही है। बकरी सब कहाँ गया, अरे बकरी सब कहाँ गया जी, अरे बकरी था यहीं पे, बकरी ईद का समय था, बकरी सब था, कहाँ गया, पूरा टावर सन्नाटा हो गया जी। बकरी वकरी सब फेंक फाक दिए का, बकरी सब है का। और हमारा हाल देखिए, हेलमेट मतलब विजिबिलिटी मेरा 50% पे अभी, सही है कोई बात नहीं। अभी बकरी ईद का टाइम चल रहा है, पूरा टावर ब्लॉक रहता है बकरी सब को लेकर के, और अभी कहीं बकरी उकरी ही कुछ नहीं है। खैर कोई बात नहीं, और देख रहे हैं बारिश में पूरे दरभंगा का, ये तो कुछ नहीं, इससे भी गंदा हालत रहता है। एक तो रोड ऊपर ऊबर खावर है, तो पूरे बिहार में, दरभंगा ही नहीं पूरा बिहार का रोड एक समान ही है, तो पूरे बिहार में जो है ना, आपको छोटा छोटा स्विमिंग पूल लेक ये नजर आएगा। देखिए यहाँ पे कितना, देख रहे हैं पूरा पानी भरा हुआ है, इसका तो बंद ही हो गया स्कूटी, बहुत बढ़िया। हम लोग जा रहे हैं दरभंगा बस स्टैंड, वहाँ जा कर के ब्लॉगिंग शुरू करेंगे। यहाँ पे इसलिए थोड़ा थोड़ा कम कर रहे हैं, क्योंकि आपको दिखा रहे हैं दरभंगा का रूट क्या होता है बारिश में। इसको इम्पोर्टेंट काम है, वो तो जाएगा आएगा ही भाई, अब क्या कर सकते हैं उसमें। पर जो बेमतलब घूमते हैं वो मत घुमा कीजिए, सही नहीं है सब बारिश में, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे ये स्कूटी है तो ये सबका चक्का छोटा होता है, ब्रेक लीजिएगा डायरेक्ट ड्रिफ्ट मार के आपको गिरा देगा नीचे की ओर। तो छोटा मतलब बिना काम का बाहर मत निकलिए। और बुलेट से हम इसलिए बाहर आए हैं, स्कूटी इसलिए नहीं लाए हैं, क्योंकि भाई देखिए इसमें है ABS एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, जब भी अगर हम ब्रेकिंग करेंगे तो चक्का मतलब स्लिप नहीं होगा, जैसे ये है ना,
ये लॉक नहीं होने देता है चक्का को, मतलब कि आप अगर 100 के स्पीड में इसको पूरा प्रेस कर दिया, जान दीजिए, तो आपके गाड़ी को गिरने नहीं देगा, स्टेबल रखेगा। तो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में आप लोग बाकी इन्फॉर्मेशन आप खुद निकाल सकते हैं, हम तो बस इतना ही दे सकते हैं। और चलते हैं, कहीं पानी दिखता तो मस्त ये वाला झरना बनाएंगे, जैसे ये है वो, यहाँ पर भी वो। बारिश में इसी सब का तो मजा है कि पानी में मस्त जो है ना गाड़ी का झरना बना दीजिए आप, झरना। ये दरभंगा महाराज का रेड फोर्ट है, और पता नहीं विजिबिलिटी आप लोग को क्या आ रहा होगा, हमको भी कैमरा भी चेक करने दीजिए एक बार। GoPro क्लेम करते टेलीफोबिक कोट है इसके कैमरा लेंस पे, पर पानी जम ही जाता है। काहे का टेलीफोबिक कोट जी, पूरा पानी जम ही जाता है इसके लेंस पे। हाँ, टेलीफोबिक कोट में मीन्स ये होता है कि वाटर ड्रॉपलेट आपके कैमरा लेंस पे चिपकेगा नहीं, वो पूरा पानी जो है निकल जाएगा। बारिश तेज हो रहा है और पानी का बूंद मेरे मतलब बॉडी पे लग रहा है, तो चोट लग रहा है। बताइए, इसमें हम ब्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमको पक्का कोई पागल कुत्ता काटा हुआ। खैर, आप लोग के लिए कुछ भी। पापा भी पूछ रहे थे बारिश में जाओगे तो जाओगे कहाँ, हम बोले ब्लॉग रिकॉर्ड करने, तब बारिश हो नहीं रहा था, हमको लगा ये जाएंगे ये चले जाएंगे, पत्थर से ही निकले, वाट लग गया मेरा। ये है अपना बाघ मोड़, और इस साइड अपना तारामंडल, यहाँ से मतलब पीछे गली जाता है पीछे से, तो वहाँ से 2 मिनट का रास्ता, यानी कि 100 मीटर के रेडियस में आपको पड़ जाएगा। भाई मेरे पास भी काफ़ी बरसाती होता तो सही रहता, मेरा फ़ोन जो भीग रहा है, बहुत ज़्यादा ही भीग रहा है, हमको आई थिंक फ़ोन को ठिकाना लगाना पड़ेगा, वरना मम्मी हमको नया फ़ोन खरीद के देने से रही। बताइए, इतना एक्सक्लूसिव ब्लॉग आपको मिथिला ब्लॉग के अलावा कहीं मिलेगा? ये देखिए, मतलब इतना एक्सक्लूसिव ब्लॉग इतना बारिश में आपको कहीं मिलेगा मिथिला ब्लॉग के अलावा? तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, डू यानी करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाओ, बहुत सारे मतलब नहीं कुछ बोलेंगे हम, हमको कमेंट में गाली पड़ेगा, हम नहीं कुछ बोलेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे। अरे मार्को पोलो भाई, थोड़ा साइड दे दो यार, ये टेलीफोबिक कोट कोई काम का नहीं है भाई, पूरा लेंस पे पड़ रहा है पानी, कोई कर्मक नहीं है ये। तो आज का तारीख है 29 जून 2023, यानी 29 तारीख छठा महीना 2023। अपने देहात पे पानी पड़े तो सही है भाई, क्योंकि अपना करनी का अपना ही भरनी, मतलब अपने करनी का भरनी हमको हमी को भरना है, तो इसीलिए थोड़ा सही नहीं लगता है। अब थोड़ा बारिश आके कम हुआ है, लाइटली। ये हेलमेट नहीं वरदान है, वरदान मेरे लिए, पूरा माथा को बचा के रखा हुआ बारिश से भी और एक्सीडेंट से भी, तो इसलिए हमेशा हेलमेट वेयर किया कीजिए। और वरदान इसलिए बोले क्योंकि पूरा बॉडी ठंडा रहता, उतना इशू नहीं रहता, जैसे ही माथा मेरा ठंडा हो जाता है ना, तो बॉडी में मतलब ये होता है कि थोड़ा ठंडा लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि जैसे ही आपका मुंडी यानी सर हेड जो है ठंडा होता है, पूरा बॉडी ही मतलब आपको ठंडा ठंडा ज़्यादा फील होगा उसमें। तो देख रहे हैं, हर जगह पानी ही पानी। अब पूछिएगा ये क्या था, शौक है कर रहे हैं। जिंदगी में हमेशा एक बात याद रखिए, कोई हो चाहे ना हो साथ, हमेशा खुद को जो है ना खुश रखिए, क्योंकि आप जो है ना मतलब खुद को एक्सप्लोर करना कभी कभी भूल जाते हैं, आप दूसरे को समझने के चक्कर में खुद को समझना भूल जाते हैं। तो खुद को समझिए, खुद को एक्सप्लोर कीजिए, थोड़ा सही लगता है। हम कहीं गाड़ी अच्छा जगह पार्क करते हैं और चलते हैं बस स्टैंड के अंदर, बस स्टैंड का दृश्य आपको दिखाते हैं बारिश के समय में क्या है। इतना पे मत जाइएगा, हाथी का दिखाने वाला दांत है, बोलिए अरे वाह पक्का का रोड ये वो, ना भैया ना, हाथी का दिखाने वाला दांत है, खाने वाला, चलिए ना अभी दिखाते हैं आपको क्या हुआ।